महाराष्ट्र के भिवंडी में सोमवार की सुबह 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे में 8 लोगों के शव और करीब 20 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। हालांकि मलबे में अभी भी दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग और उसके साथ NDRF की 2 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत काफ़ी पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। सोमवार तड़के करीब 3:45 पर बिल्डिंग में मौजूद फ्लैट में अधिकांश लोग सो रहे थे, तभी अचानक 3 मंजिला इमारत भरभराकर बैठ गई। सोते हुए लोग मलबे में दब गए, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास रहने वाले लोग बिल्डिंग की ओर दौड़े और अपने प्रयासों से तकरीबन 20 लोगों को मलबे में से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समाचार एजेंसी ANI के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि राहत बचाव में लगी टीम ने एक बच्चे को सही सलामत मलबे से निकाल लिया है। हालांकि बच्चे को घायल व डरे होने की वजह से प्राथमिक उपचार दिया गया है। मलबे में फंसे अन्य लोगों को निकालने के लिए भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।